पिछले तीन दिनों से पटना नगर निगम के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पूरे शहर की सूरत बिगड़ चुकी है। जगह जगह सड़कों पर कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। लोगों को आने जाने में दुर्गंध के कारण काफी परेशानियां भी हो रही हैं। पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू की माने तो सीता साहू को नगर निगम के इस हड़ताल और कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है। उनका काम सिर्फ निजी एजेंसियों के काम देकर मोटा पैसा कमाना रह गया है। तो वहीं आम आदमी रास्ते चलते काफी परेशान हो रहे हैं और उन लोगों का कहना है कि बदबू से जीना मोहाल हो रखा है। विनय जी, जो हालात नगर निगम के बने हुए हैं, मेयर को अपनी कुर्सी से है विश्वास मत प्रस्ताव पास कराने से, लेकिन ये इसका जिम्मेदारी कौन लेगा जो इस तरह से कचरे से पकड़ा हुआ है? देखिए, इसका जिम्मेवारी तो सीधे सीधे महापौर को लेना होगा, बिहार के नगर विकास विभाग के मंत्री जी को लेना होगा। पूरे अधिकार नगर निगम के कर्मचारियों के साथ जितना दमनात्मक कार्य नीति सरकार बना रही है और उसका लाभ लेके आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से अपना जेब गर्म करने में पटना की महापौर लगी हुई है, और पूरे पटना की जनता इस नरक में रहने के बाद होल्डिंग टैक्स और होल्डिंग टैक्स के बाद जबरन गार्बेज कलेक्शन शुल्क लिया जा रहा है। आप लोग भी सभी पटना के बासिंदे हैं, नागरिक हैं, आप पता कर लीजिए पटना के किसी कोने में किस घर से, किस दुकान से, किस ऑफिस से, किस होटल से कचरे के लिए लाने के लिए लोग जाता है। गाड़ी वाला आया घर से, कचरा निकाल रोड पर घुमा दिए तो वो गार्बेज कलेक्शन हो गया। गार्बेज कलेक्शन पर लूट का नाम पर एजेंसी को देकर उसका डिमांड पूरा करने के लिए अपने जेब गर्म करने में महापौर और नगर विकास विभाग लगा हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं, मेयर साहब को ध्यान देना चाहिए इस पर। निश्चित रूप से मेयर साहब को ध्यान देना चाहिए, नगर विकास विभाग के मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। कोरोना का इस बीमारी में जब पूरी जनता कोरोना से त्राही त्राही कर रही है और ये गंदगी कोरोना को के लिए तो और अभिशाप होगा पटना के नागरिकों के लिए। तो हम तो कह रहे हैं इसकी लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, इसके पटना की महापौर बताएंगी क्यों हड़ताल है, कर्मचारियों को क्यों नहीं पैसा दिया जा रहा है। पटना की महापौर केवल इस काम में लगी हुई हैं कि कैसे आउटसोर्स एजेंसी को अधिक से अधिक पैसा भुगतान हो और उस भुगतान से वो अपना कमीशन खा सके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।